नमस्कार, समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता चौरसिया। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी संसद में सबसे लंबी और उत्कृष्ट पारी खेलने वाले चंद नेताओं में शुमार हैं। 1971 में राजनीतिक जीवन शुरू करने वाले सोमनाथ चटर्जी 10 बार लोकसभा सदस्य रहे। संसदीय गरिमा के प्रति जीवन भर संवेदनशील रहे सोमनाथ चटर्जी 4 जून 2004 से 31 मई 2009 के दौरान लोकसभा अध्यक्ष रहे। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। अपने लंबे संसदीय जीवन में सोमनाथ चटर्जी एक आदर्श सांसद के साथ ही एक प्रखर वक्ता और आम आदमी के हक के लिए लड़ने वाले नेता के तौर पर जाने गए। वो देश के उन चंद नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने भारत की संसदीय प्रणाली को सुदृढ़ बनाने में अहम योगदान दिया। भारतीय राजनीति में उन्हें शानदार काम और शालीन व्यवहार के लिए हमेशा याद किया जाएगा। आज के विशेष में हम सोमनाथ चटर्जी के जीवन, सांसद के तौर पर उनकी राजनीतिक पारी और सबसे बढ़कर लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर किए गए उनके शानदार कामों पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और 10 बार लोकसभा सांसद रहे सोमनाथ चटर्जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत राजनीतिक जगत की कई हस्तियों ने गहरा शोक जताया है। सोमनाथ चटर्जी के निधन से राजनीति के एक युग का अंत हो गया। उनको करीब से जानने वाले लोगों का ये मानना है कि सोमनाथ चटर्जी ने सार्वजनिक जीवन हमेशा उच्च मानदंडों का पालन किया है। चाहे परिस्थिति कितनी ही चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, अपने सिद्धांतों से कभी भी पीछे नहीं हटे। जीवन रहते तो हमेशा ही लोगों की आवाज बने, मरने के बाद भी अपने शरीर को मेडिकल रिसर्च के लिए दान कर गए। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और सीपीएम के पूर्व नेता सोमनाथ चटर्जी अब हमारे बीच नहीं रहे। 89 साल की उम्र में कोलकाता के निजी अस्पताल में सोमवार सुबह करीब 8:15 बजे उन्होंने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। वो पिछले काफी दिनों से बीमार थे। उन्हें गुर्दे की बीमारी के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत सोमनाथ चटर्जी ने सीपीएम के साथ 1868 में की और वो 2008 तक इसी पार्टी से जुड़े रहे। उनके निधन से देश भर में शोक की लहर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमनाथ चटर्जी के निधन पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष और सदन में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराने वाले वरिष्ठ सांसद सोमनाथ चटर्जी के निधन के बारे में जानकर दुख हुआ। बंगाल और पूरे भारत ने एक संवेदनशील लोक सेवक खो दिया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शोक जताते हुए ट्विटर पर लिखा कि लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी उत्कृष्ट सांसद थे जो 10 बार लोकसभा के लिए चुने गए। उन्होंने हमेशा लोगों की समस्याओं को उठाया और उसे हल करने की हर संभव कोशिश की। वो सदा उन सिद्धांतों पर अडिग रहे जिनमें उनकी मान्यता थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ चटर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि पूर्व सांसद और लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी भारतीय राजनीति के कद्दावर नेता थे। उन्होंने हमारे संसदीय लोकतंत्र को समृद्ध बनाया था और वो गरीबों और कमजोर तबकों के लोगों के कल्याण के लिए एक मुखर आवाज थे। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन सोमनाथ चटर्जी के व्यक्तित्व को याद करते हुए भावुक हो उठी। उन्होंने कहा कि सोमनाथ चटर्जी के निधन से देश की राजनीति में एक युग का पटाक्षेप हो गया है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। हमारी विचारधारा अलग अलग रही, लेकिन विचारधारा अलग होने के बावजूद भी जब से मैंने भी कदम रखा पार्लियामेंट में 89 में, और तब से मैं सोमनाथ चटर्जी को काम करते हुए देखती थी। जिस तरीके से वो मुद्दे उठाते थे, जिस तरीके से अलग अलग नियमों का उपयोग करते हुए, वो चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे वो कॉलिंग अटेंशन हो,
बहुत बार मैंने ये उनको देखा है करते हुए। तो हर रूल का उपयोग करते हुए मुद्दे उठाना कैसे, ये एक प्रकार से हम उनसे ही देखते थे, समझते थे। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भी सोमनाथ चटर्जी के निधन पर गहरा दुख जताते हुए उन्हें युवाओं के लिए प्रेरणादायी बताया। उनका जाना दुखद है, खास तौर से जब आज लोकतांत्रिक संस्थाओं को इस तरह प्रेरित करने वाले लोग चाहिए, तब उनका जाना और भी दुखद है। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका और उसके रूप में सांसद के रूप में हर बहस पर उनका प्रखर हस्तक्षेप, उनका भाषण, वो हमेशा आने वाली पीढ़ियों को, संसदीय संस्थाओं को, जो लोग राजनीति करना चाहते हैं उनको प्रेरित करेंगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने शोक संदेश में कहा है कि सोमनाथ चटर्जी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने वाले शख्स थे। उन्होंने सोमनाथ चटर्जी को आने वाले सांसदों के लिए आदर्श बताया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सोमनाथ चटर्जी के निधन पर गहरा दुख जताते हुए ट्विटर पर लिखा कि वे एक बेहतरीन सांसद थे। सदन के सदस्य के तौर पर उनके लंबे कार्यकाल ने हमारी संसदीय परंपराओं को समृद्ध बनाया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शोक जताते हुए ट्विटर पर लिखा कि वे एक संस्था थे, पार्टी लाइन से हटकर सभी पार्टियों के सांसद उनका बहुत सम्मान और सराहना करते थे। सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने सोमनाथ चटर्जी के निधन को देश के लिए बड़ी क्षति बताया है। In terms of parliamentary practices and in terms of maintaining parliamentary democracy in the functioning of the House, his record is impeccable and many of his rulings are actually relied upon today as the basis for which the functioning of the parliament is proceeding. In his death, we also lost a champion of democracy, democratic rights and as a legal professional. टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि उनका निधन देश के लिए एक बड़ी क्षति है। अलग अलग दलों के तमाम नेताओं ने सोमनाथ चटर्जी के निधन पर दुख जताते हुए संसदीय लोकतंत्र में उनके योगदान को याद किया। संसदीय परंपराओं और संसदीय व्यवस्थाओं का खुद में एक स्कूल थे और जिस तरह से उन्होंने एक बहुत ही सफल सांसद, एक बहुत ही सफल लोकसभा स्पीकर के रूप में अपनी पूरी भूमिका निभाई और साथ ही साथ सामाजिक जीवन में भी अगर आप देखें तो शांति निकेतन के सम्मान, शांति निकेतन की गरिमा को बढ़ाने के लिए उन्होंने जिस समर्पण भाव के साथ काम किया हमेशा, वो जो है वो उनके जीवन का एक बहुत ही मजबूत पहलू रहा है। यूज्ड द पार्लियामेंट एज अ वेरी पावरफुल फोरम टू आर्टिकुलेट द कंसर्न्स issues of people and the country as a whole and as a parliamentarian he set a standard for any member from any party how one should work within parliament in the keeping in view the interests of people and the country. Unki bhanta to isme hoti hai ki wo jeevan bhar kin moolyon ko lekar ke लड़े, किन मूल्यों पर अडिग रहे, तो उनकी महानता इसी में है कि हमेशा गरीबों के बारे में उन्होंने सोचा। उनको बहुत नज़दीक से देखने का मौका मिला, फिर वो स्पीकर के रूप में जो उनकी भूमिका रही वो भी ऐतिहासिक है और एक अच्छे वकील भी वो थे, बहुत सारे गुणों के मालिक थे वो और उनके इस तरह गुजर जाने से मैं समझता हूँ कि न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे देश की राजनीति में उनकी कमी आज हमेशा महसूस की जाएगी। सोमनाथ चटर्जी के महान व्यक्तित्व का पता इसी से चलता है कि उन्होंने जीते जी ही अपने शरीर का दान कर दिया था। उनके पार्थिव शरीर को सबसे पहले कोलकाता हाईकोर्ट ले जाया गया जहाँ उन्होंने अधिवक्ता के तौर पर काम किया था। यहां लोगों के अंतिम दर्शन के बाद उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि के लिए विधानसभा परिसर ले जाया गया। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास पर ले जाया गया। यहां से उनके पार्थिव शरीर को SSKM अस्पताल ले जाकर दान कर दिया गया।
लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी संसद में सबसे लंबी और उत्कृष्ट पारी खेलने वाले चंद नेताओं में शुमार थे। सोमनाथ चटर्जी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेताओं में से एक रहे। एक निर्दलीय सांसद के रूप में अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाले सोमनाथ चटर्जी ने भारतीय संसदीय प्रणाली की सर्वोच्च संवैधानिक पदों में से एक लोकसभा अध्यक्ष के पद को सुशोभित किया। वो देश के उन चुनिंदा सांसदों में शामिल रहे जिनको 1996 में उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए देखते हैं सोमनाथ चटर्जी का जीवन और राजनीतिक सफर। भारतीय राजनीति की एक खास हस्ती रहे सोमनाथ चटर्जी का जन्म 25 जुलाई 1929 को असम के तेजपुर में हुआ। पिता निर्मल चंद्र चटर्जी मशहूर वकील और हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। एमसी चटर्जी 3 बार लोकसभा सांसद भी रहे। उनकी माता का नाम वीणा पणिदेवी था। सोमनाथ चटर्जी की शुरुआती शिक्षा कोलकाता से हुई। सोमनाथ चटर्जी के बचपन से जुड़ी कई दिलचस्प बातें हैं जिसे शायद कम लोग ही जानते हैं। एक बार बचपन में जब सोमनाथ चटर्जी बीमार हो गए थे तब पिताजी ने कुछ समय के लिए इनका दाखिला लड़कियों के स्कूल में करा दिया था। हमारा पिताजी एक लॉयर थे, उन्हें अब सही बोला है, पहला दूसरा चौथा लोकसभा के सदस्य थे या हाईकोर्ट के जज भी थे। हम तो बहुत बचपन में हम सुना है हमको हमको सांस ठीक नहीं था, 3 साल हम नेफ्राइसिस का पेशेंट था, तब जिंदा रह गया। तब हुआ एक पहले दफे एक गर्ल्स स्कूल में भर्ती हुआ, गोकुल मेमोरियल गर्ल्स स्कूल। वहाँ हम लोग का माई हमारा बहन पढ़ते थे। वहाँ प्रिंसिपल को बोला, तब हमको 6 साल उम्र था, तो बोला डॉक्टर बोला ये अभी लड़की लोग का जो स्कूल है वहाँ जाके चुपचाप बैठ के रह नहीं सकता, टू गेट यूज टू। हाँ, तब लड़की का स्कूल में गर्ल्स स्कूल पे हम 2 साल थे। हम अकेले एक पुरुष था वहाँ। तो उसके बाद हम जब हमको 11 साल हुआ तब स्कूल में मित्र इंस्टीट्यूशन भवानीपुर ब्रांच वहाँ भर्ती हुआ। अच्छा स्कूल है वहाँ से 1945 में हम मैट्रिकुलेशन पास किया था। वो रोज मैट्रिकुलेशन था, अच्छा भी हुआ रिजल्ट, पहला 10 की भीतर थे, 7वां स्टैंड किया था। उसके बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज में भर्ती हुआ वहाँ ISC में। उसके बाद हम BA ऑनर्स इकोनॉमिक ऑनर्स में पढ़ा था, वो 1945-49 प्रेसिडेंसी कॉलेज में थे। 1945 में मैट्रिक करने के बाद BA की पढ़ाई करने के लिए कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। प्रेसिडेंसी कॉलेज में इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट होने के बाद बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाने की इच्छा हुई। जब माताजी को इस बात का पता चला तो उन्हें लगा कि विलायत जाकर कहीं बेटा हाथ से ना निकल जाए, तो उन्होंने शर्त रखी कि विलायत जाने से पहले शादी करनी होगी। और इस तरह शादी के बाद सोमनाथ 1950 में बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए विलायत चले गए। ब्रिटेन में कैंटप से स्नातकोत्तर और मिडिल टेम्पर से बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री लेने के बाद 1953 में भारत वापस आ गए। 50 में तो हमको शादी हो गया जी। माता जी हमको बोला हमको विलायत जाना, वो हमें माता जी समझा चले लड़का हमको बिगड़ा जाएगा। उसके लिए शादी हो गया। 1950 में हम विलायत गया वहाँ, 50 से 53 वहाँ कैम्ब्रिज में, जीसस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जीसस कॉलेज में थे।
वहाँ लॉ पढ़ा और उसके बाद बार में ज्वाइन किया बैरिस्टर होने के लिए। वो पास करके 1953 में हम लौटा, 53 to 71 ओनली लॉ। भारत लौटने के बाद सोमनाथ चटर्जी ने कोलकाता हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर दी। राजनीति में आने से पहले तक वो बतौर वकील हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते रहे। 1968 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का सदस्य बनने के बाद वो सक्रिय राजनीति में शामिल हो गए और राष्ट्रीय राजनीति में उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत 1971 में की, जब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वर्धमान लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर पहली बार संसद पहुंचे। पिताजी बड़वान से ही थे, 1968 में उनका तबीयत बहुत खराब हो गया, दिल्ली में रहते थे। उसके बाद 71 में जब उन्होंने तय किया जब हम नहीं खड़ा होगा, तभी लीडर लोग ज्योति बासु, प्रमोद दास गुप्ता, हरिकृष्ण कोनार, इसके आचार्य, ये सब आके पिताजी को बोला, हमको बोला था, हम बोला पिताजी एग्री नहीं करने से हम नहीं जाए। तब बार में भी थोड़ा अच्छा काम करते थे, तब अल्टीमेटली पिताजी हमको बोला ठीक है, वो लोग बोल रहे हैं, खड़ा हो जाओ देखो क्या। 1971 में पहली बार वो सांसद बनने के बाद 10 बार लोकसभा के सांसद के तौर पर निर्वाचित हुए। साल 1989 से 2004 तक वे लोकसभा में CPIM के नेता रहे। लगभग 39 सालों तक सांसद के तौर में देश की सेवा करने वाले सोमनाथ चटर्जी की पहचान एक प्रखर वक्ता के रूप में भी रही। भारत की संसद प्रणाली को सुदृढ़ बनाने में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए उन्हें साल 1996 में उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से नवाजा गया। अपने लंबे संसदीय जीवन में सोमनाथ चटर्जी एक आदर्श सांसद के रूप में उभरे। एक मुखर वक्ता के साथ ही आम आदमी और मजदूरों के प्रवक्ता के रूप में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। वो देश के उन चंद नेताओं में शामिल रहे जिन्होंने भारत की संसदीय प्रणाली को सुदृढ़ बनाने में अहम योगदान दिया। 1971 से तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर वाद विवाद में उन्होंने सक्रियता से भाग लिया और अपने शानदार भाषणों से सत्ता पक्ष और विपक्ष सबका सम्मान हासिल किया। One thing that he was very fond of was interaction with youth. In every interaction with youth, he used to ask one question, what do you want to become? The young members of the gatherings used to give out their preferences, doctor, lawyer, whatever. And hardly one or two would give preference for politics. When asked why, they had always negative things to say about politicians. His answer was, when good people like you don't come into politics, what is the point in criticizing politicians? सोमनाथ चटर्जी का वाद विवाद, कौशल, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर स्पष्ट समझ, भाषा के ऊपर पकड़ और विनम्रता सबको उनका कायल बनने पर मजबूर कर देती थी। उनका पूरा संसदीय जीवन सदन की गरिमा को बढ़ाने वाले मूल्यों, परंपराओं का निर्वहन करने और संसद को सुदृढ़ बनाने का एक बेहतरीन उदाहरण है। सोमनाथ चटर्जी को भारतीय राजनीति में हमेशा एक बहुत ही सम्मानित नेता के तौर पर याद रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संसदीय गरिमा के प्रति जीवन भर संवेदनशील रहे सोमनाथ चटर्जी 4 जून 2004 से 31 मई 2009 के दौरान लोकसभा अध्यक्ष रहे। उनका कार्यकाल कई महत्वपूर्ण फैसलों के लिए याद किया जाता है। संसद में कई सुधारों के साथ देश के पहले संसदीय चैनल लोकसभा टीवी की शुरुआत भी उनके ही कार्यकाल में की गई। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ, लेकिन आपको याद दिला दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार। 4 जून 2004 को सोमनाथ चटर्जी के राजनीतिक जीवन का अहम पड़ाव था, जब 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में वो सर्वसम्मति से चुने गए।
दिलचस्प तथ्य ये भी है कि वो देश के पहले प्रोटेम स्पीकर हैं जिनको इस पद के लिए चुना गया। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में सोमनाथ चटर्जी ने सदन की कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए। अध्यक्ष के रूप में और संसदीय विशेषाधिकारों के संरक्षण के तौर पर सोमनाथ चटर्जी ने देश के संवैधानिक ढांचे में संसद की गरिमा और प्राधिकरण बनाए रखने के लिए बेहतरीन प्रयास किए। उन्होंने हमेशा संसद की सर्वोच्चता का समर्थन किया और इसकी रक्षा की। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जहाँ भी है वहाँ लोग मानते हैं कि स्पीकर एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। तो सोमनाथ चटर्जी हालांकि वो रूलिंग पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे, वो इंडिपेंडेंस बहुत ही, वो तो रूलिंग जो उस वक्त सीपीएम उनके रूलिंग पार्टी के सपोर्ट करते थे, अलायंस को यूपीए को सपोर्ट करते थे, लेकिन इन्होंने बिल्कुल ही एक इंडिपेंडेंट तरीके से काम किया है। उन्होंने ये नहीं सोचा देखा कि ये सरकार को, मेरा जो डिसीजन है वो सरकार को थोड़ा कष्ट पहुँचाता है, कुछ नहीं, वो बिल्कुल मेरिट पर डिसाइड करते थे हर चीज़। बीइंग एन आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन एंड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ही रनिंग द ऑफिस ऑफ द स्पीकर इटसेल्फ वाज समथिंग वेरी बिग एंड इट वाज बाउंड टू रिफ्लेक्ट इन द फंक्शनिंग ऑफ द 14th लोकसभा एंड इन एवरीथिंग ही डिड द प्राइमेसी वाज गिवन टू पीपल, दैट वाज हिज फंडामेंटल प्रिंसिपल। दिस इज द पॉपुलर हाउस, दिस इज पीपल्स हाउस, everything that we do has to be beneficial to people of this country. लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने विश्व के कई देशों में आयोजित अनेक अंतर संसदीय संघ और राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलनों में भारतीय संसदीय दल का नेतृत्व किया। सितंबर 2006 में उन्हें अबुजा नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का अध्यक्ष चुना गया। उनके नेतृत्व में भारत ने सितंबर 2007 में नई दिल्ली में 53वें राष्ट्रमंडल संसदीय एसोसिएशन यानी सीपीए सम्मेलन में सफलतापूर्वक मेजबानी की, जिसमें 52 राष्ट्रमंडल सदस्य देशों को अलग अलग क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों से अवगत कराया गया। अलग अलग विभागों से जुड़े स्थायी समितियों के कार्यकरण के संबंध में सोमनाथ चटर्जी ने एक और महत्वपूर्ण पहल की। उन्होंने विभाग से जुड़े स्थायी समितियों की संख्या 17 से बढ़ाकर 24 कर दी। का डेलीगेशन जाता है एमपीस को लेके, वो कहीं भी जा सकते थे, लेकिन सोमनाथ चटर्जी ने कहा कि जो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी, इंडिया के जो इंटरेस्ट से जुड़े हुए जो कंट्रीज है वहीं जाएंगे, और वो ट्रैक टू, ये जो पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी एक ऐसी चीज़ है जिसको इन्होंने बहुत बढ़ावा दिया है। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में उनकी पहल पर ही 5 जुलाई 2004 से शून्यकाल की कार्यवाही का सीधा प्रसारण शुरू किया गया। उनके कार्यकाल के दौरान ही संसदीय कार्यवाही को व्यापक मीडिया कवरेज करने के लिए 24 जुलाई 2006 से उन्होंने 24 घंटे के लोकसभा टीवी की शुरुआत की। सोमनाथ चटर्जी की पहल पर अत्याधुनिक संसदीय संग्रहालय की स्थापना की गई, जिसका उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा 14 अगस्त 2006 को किया गया। सोमनाथ चटर्जी के अध्यक्षकाल के दौरान ही जल संरक्षण और प्रबंधन, बाल, युवा, जनसंख्या और जन स्वास्थ्य और भूमंडलीय ताप वृद्धि और जलवायु परिवर्तन से संबंधित संसदीय मंचों की स्थापना की गई। पार्लियामेंट का जो लोकसभा का जो चैनल इन्होंने शुरू किया था, वो उनका एक विशन था कि पार्लियामेंट को जनता के नज़दीक ले जाना, क्योंकि यहाँ पर मीडिया जो है पार्लियामेंट को नॉर्मली इग्नोर करते थे। पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स है उसका कोई कवरेज होता नहीं था। इन्होंने देखा, उन्होंने सोचा कि ये जनता अपने प्रतिनिधियों को चुन के भेजते हैं और ये यहाँ पर क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं इसका तो लोगों को पता होना चाहिए। 22 जुलाई 2008 को विश्वास मत के दौरान सदन के संचालन के लिए उन्हें काफी सराहना मिली। 2008 में भारत अमेरिका परमाणु समझौते पर यूपीए से सीपीएम के समर्थन वापस लेने के बाद सोमनाथ चटर्जी ने स्पीकर पद से इस्तीफा देने की अपनी ही पार्टी सीपीएम की मांग ठुकरा दी थी, जिसके बाद सीपीएम ने उनका निष्कासन कर दिया। ये उनके राजनीतिक जीवन की एक बड़ी घटना रही। जब ऐसी बात आई कि उनकी पार्टी ने समर्थन वापस लिया,
तब भी उन्होंने कहा मैं नहीं इस्तीफा दूंगा, नाउ आई एम ए स्पीकर, और उन पर एक्शन भी कुछ पार्टी ने ली, मगर उन्होंने कहा नो, अब मैं स्पीकर हूं तो मैं स्पीकर की तरीके से ही मेरा व्यवहार होना चाहिए, दैट इज समथिंग। वो नियमों और कानूनों के जानकार ही नहीं थे, कड़े अनुशासन के भी पक्षधर थे। कई संसदीय समितियों का नेतृत्व करने के साथ वो जिन समितियों के सदस्य रहे उसमें सक्रियता से भाग लिया। अधीनस्थ विधान संबंधी समिति और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति के वो दो बार अध्यक्ष रहे। इसी तरह वो तीन बार विशेषाधिकार समिति, रेल संबंधी समिति और संचार संबंधी समिति के अध्यक्ष रहे। नियम समिति, सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति, कार्य मंत्रणा समिति के अलावा वो कुछ संयुक्त समितियों और प्रवर समितियों से भी जुड़े रहे। कानून और विधायी मामलों में अपनी व्यापक समझ और विशेषज्ञता के नाते अपने कार्यकाल में सभी लोकसभा अध्यक्षों का उन्होंने समर्थन हासिल किया। एडजमेंट मोशंस आते थे गवर्नमेंट के खिलाफ। हमारे इंडिया में जितने लेजिस्लेचर्स हैं सब में स्पीकर्स नॉर्मली एडजमेंट मोशन को वो एडमिट नहीं करते, क्योंकि वो गवर्नमेंट के खिलाफ है, सेंसर मोशन है, इसलिए नहीं करते। लेकिन सोमनाथ चटर्जी ने कहा ना, इसको मैं मेरिट में डिसाइड करूंगा, इसके ऊपर डिसाइड करूंगा। संसदीय लोकतंत्र में अटूट आस्था के साथ सोमनाथ चटर्जी ने 3.5 दशक तक देश और समाज की सेवा की। उन्होंने सदन की गरिमा को बढ़ाने वाले मूल्यों और परंपराओं का निर्वहन कर एक उदाहरण पेश किया जो भावी पीढ़ी को प्रेरणा देता रहेगा। विपिन चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।